आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारतीय संस्कृति परंपरा में अक्षय तृतीया का बेहद महत्व है। अक्षय तृतीया पर हर कोई भगवान की भक्ति में लीन नजर आया। अर्जुनगर में अक्षय तृतीया पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, भगवान परशुराम की वंदना की गई, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी का आज जन्म हुआ है। भगवान परशुराम जी सभी के आराध्य हैं, सभी का उन पर आशीर्वाद रहता है। आज उनका जन्म हुआ है तो आज सुबह से ही पूरे आगरा वर्ष में आगरा में सभी जगह पर हवन पूजन और भंडारों का आयोजन किया गया। इसी श्रेणी में हमारी जो संस्था है क्षेत्रीय ब्राह्मण संस्था धनौली, वहाँ पर भी बहुत बड़ा विशाल हवन किया गया और सुबह प्रसादी का वितरण किया गया और उसी कड़ी में शाम को अर्जुन नगर चौराहे पर भी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और 6 तारीख को शोभा यात्रा धनौली से प्रारंभ होगी और उसका जो समापन होगा वो शुभ लगन मैरिज होम पर होगा और वहाँ पर प्रसाद का और भंडारे का वितरण होगा। आज भगवान परशुराम जी का जन्म है और सभी लोग आज सुबह से ही हवन करने में, पूजा करने में, प्रसादी वितरण में लगे हैं। ये ब्राह्मण संस्था है जो ब्रक्षित की है, धनौली से लेकर और अर्जुन नगर तक हर बार शोभा यात्रा भी निकालती है। इस बार 6 तारीख को शाम को 4 बजे से भी ये शोभा यात्रा निकलेगी। आज सुबह धनौली का जो मंदिर है वहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी की आरती हुई है, वहाँ पर हवन यज्ञ हुआ है, वहाँ प्रसादी वितरण का काम हुआ है। अर्जुन नगर तिराहे पे भी जो हमारे विप्र बंधु हैं इन लोगों ने प्रसादी का वितरण किया है, मिष्ठान वितरण किया है और आज सभी लोग अपने को गौरवान्वित और यह महसूस कर रहे हैं कि भगवान परशुराम जी के जो आदर्श हैं, उनके जो पदचिन्ह हैं, उन पर हम लोग काम कर सकें, उनके बताए रास्ते पर चल सकें। मैं सभी को भगवान परशुराम जी के जन्मदिन पर सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।